मे का लास्ट वीक चल रहा है तो व्हाट्सअप गाइस, मेरा नाम है संजय और आज हम देखने वाले हैं टॉप 5 ऐप्स मई 2017 के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट ऐप जो कि हमारी लिस्ट में है वो है फ्लाइसो। ये काफ़ी अच्छी ऐप है। इस ऐप में आप तीनों सोशल नेटवर्किंग का मज़ा ले सकते हैं, चाहे वह फेसबुक, इंस्टाग्राम या ट्विटर। ये काफ़ी अच्छी ऐप है, इवन इसका स्टेटस बार भी चेंज होता है जैसे ही आप स्लाइड करते हैं किसी और सोशल नेटवर्किंग की तरफ। तो ये काफ़ी अच्छे से यूज़र इंटरफेस देती है। इसकी एक स्पेशल क्वालिटी वो है ये कि आपको तीनों ऐप्स को इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस फ्लाइसो ऐप को इंस्टॉल करना है और उसके बाद आप इन तीनों सोशल नेटवर्किंग साइट्स का मज़ा ले पाएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट ऐप की ओर। आप सब लोग मूवीज़ और टीवी शोज़ देखना तो पसंद करते ही होंगे, तो नेक्स्ट ऐप जो कि हमारी लिस्ट में है वो है ट्रियम टीवी। ये काफ़ी अच्छी ऐप है। जैसे ही आप किसी शो पे क्लिक करेंगे आपको वहाँ पर एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा और साथ में इसके अलग अलग सीजन्स भी देखने को मिल जाएंगे। मोर ओवर इसमें आपको कुछ सजेशन भी मिल जाते हैं जो कि काफ़ी अच्छे होते हैं। अगर हम देखें और मूवीज़ की बात करें तो आपको यहाँ पर ऑनलाइन मूवीज़ देखने को मिल जाएंगी और उन्हें आप डाउनलोड भी कर सकते हैं अलग अलग कैटेगरीज में क्लासिफाई करके। तो यहाँ पर काफ़ी सारी लेटेस्ट मूवीज़ हैं जिन्हें आप डाउनलोड कर सकते हैं और इन्हें यहाँ पर एक विश लिस्ट भी बना सकते हैं। जैसे ही आप क्लिक करेंगे किसी मूवी पे वैसा ही आपको एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा और साथ में उस मूवीज़ के कुछ अलग सजेशंस भी मिल जाएंगे। आप इसका यूट्यूब ट्रेलर भी देख सकते हैं, आपको क्लिक करना होगा उस बटन पर और आप इसे यूट्यूब पर जाके देख सकते हैं। ये काफ़ी अच्छी ऐप है, इसमें आपको अलग अलग मूवीज़ मिल जाएंगी, आप कुछ मूवी सर्च भी कर सकते हैं और साथ में इन्हें अलग अलग कैटेगरीज के हिसाब से क्लासिफाई भी कर सकते हैं जो कि इस ऐप को बनाते हैं और सिंपल। अगर हम डिस्क्रिप्शन देखें तो इस ऐप का हमें पता चलता है कि 100% सर्टिफाइड ऐप है और जो भी इसका कंटेंट है वो वेरीफाइड है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट ऐप की ओर। नेक्स्ट ऐप जो कि आज हमारे लिस्ट में है वो है प्रेडिक्शन गुरु। ये काफ़ी अच्छी ऐप है और ये स्पेशली बनाई गई है स्पोर्ट्स एंथुसियास्ट लोगों के लिए। तो इसमें आपको अलग अलग लीग्स की लिस्ट मिल जाती है, चाहे वो हो क्रिकेट, फुटबॉल, सॉकर या और कोई सा स्पोर्ट। आप इस लीग को फॉलो कर सकते हैं, इसके बाद आप इसमें बिडिंग कर सकते हैं। आपको दिए जाते हैं 250 कॉइन्स जिन्हें आप बिडिंग करके बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। जैसे ही आपके पास कलेक्शन होता है नियरली 7 to 10,000 कॉइन्स का, आप इन्हें रिडीम करा सकते हैं एज़ पेटीएम कैश और या फिर आप इसे भीम ऐप में भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो ये ऐप आपको साथ में स्पोर्ट्स का मज़ा भी लेने देती है और इससे आपकी अर्निंग भी होती रहती है। अगर हम देखें तो ये सिर्फ अर्निंग की बात नहीं है, आप इसमें कुछ कॉइन्स भी ले सकते हैं इस ऐप को फॉलो करके फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर। मोर ओवर अगर हम देखें तो जैसे ही आपको इसी लीग को फॉलो स्टार्ट करते हैं करना इस ऐप पर, यह ऐप आपको पर्टिकुलर उस लीग के बारे में न्यूज़ देती है जिससे कि आप अपडेट रहते हैं उस लीग के बारे में और ये काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड कराती है। इसका एक प्लस पॉइंट ये है कि आप जो भी बिडिंग करते हैं या जो भी आप लीग को फॉलो करते हैं इसे आप शेयर कर सकते हैं सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स पर, चाहे वो कोई सी वेबसाइट हो, आप इन्हें शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ और मज़ा बढ़ा सकते हैं किसी भी स्पोर्ट्स लीग का। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट ऐप की ओर। नेक्स्ट ऐप जो कि हमारी लिस्ट में है ये है सफ़ीकल ऐप। ये बहुत ही अच्छी फ़ोटो एडिटिंग ऐप है। इसमें से आप अलग अलग फिगर सेलेक्ट कर सकते हैं, उसको बाद आपको ये फिगर अपनी फ़ोटो पर सेलेक्ट करना होगा। आप जैसे ही इसे सेलेक्ट कर लें आपको इसकी वेट सेट करनी होगी, आप कितनी भी कर सकते हैं, मैं इसे थोड़ी कमी रखना पसंद करूँगा। इसके बाद आप जाके इसका फ्रेम कलर चेंज कर सकते हैं, मैं फ़िलहाल ले लेता हूँ ब्लू, और उसकी आप ओपेसिटी भी चेंज कर सकते हैं। इसके बाद आप सेट बटन प्रेस कर दीजिए और फिर आप जाके इसका बैकग्राउंड भी ब्लर कर सकते हैं जो कि इस ऐप का काफ़ी अच्छा फीचर है। जब ये बैकग्राउंड आपके फ्रेम के बाहर होगा ये उसे ब्लर कर देता है, तो ये काफ़ी अच्छा लुक देते हैं किसी भी फ़ोटो को और इससे आप अपनी फ़ोटोज़ को और भी अच्छा बना सकते हैं। यकीन मानिए गाइस, मैंने इसे ट्राई किया है, ये काफ़ी ही अच्छे से वर्क करती है, आप भी इसे ट्राई कीजिएगा मई 2017 में। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट ऐप की ओर। लास्ट ऐप जो कि आज की लिस्ट में है वो है मोबाइल विटनेस। ये काफ़ी अच्छी सिक्योरिटी ऐप है, इसमें आपको काफ़ी अलग अलग फीचर्स मिल जाते हैं जैसे कि यह आपकी लोकेशन ट्रैक करती है, ये साथ में आपका ऑडियो भी ट्रैक करेगी और ये साथ में आपका वीडियो भी रिकॉर्ड करती है। तो बेसिकली ऐप करती क्या है, इन तीनों चीज़ों को कंबाइन करके एक फ़ाइल बनाती है जिसे आपको अपलोड करना होता है एक सर्वर पर। जैसे ही आप वो फाइल अपलोड कर देंगे उस सर्वर पर, आप उस इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हैं कहीं पर भी। इसके लिए आपको एक सिक्योरिटी और एक ईमेल आईडी लगेगी। तो ये काफ़ी अच्छी सिक्योरिटी ऐप है, इससे अगर आपका मोबाइल कहीं पर लॉस्ट हो जाता है तो
तो आप उस सर्वर पर जाकर देख सकते हैं कि कहाँ पर मेरे फ़ोन की लोकेशन आ रही है और आप उसे वापस लेके आ सकते हैं। तो ये वन ऑफ द बेस्ट ऐप्स थी मैं 2017 में। मैं चाहूँगा कि आप इसे ट्राई करें। अगर हम सेटिंग्स में जाएँ तो इसमें कुछ ऐसा खास नहीं है, मोस्ट ऑफ द सेटिंग्स लॉक ही रहती हैं, लेकिन आप इसमें से ऑडियो क्वालिटी चेंज कर सकते हैं और वीडियो क्वालिटी भी चेंज कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज़।